नमस्कार प्रणाम, हम अमितेश कुमार सिंह। तो आज हमनिशन के आगे बनीसन छपरा जिला के फुटानी बाजार जौन की जलालपुर गम्हरिया कला में पड़ेला। और देख सकत नहीं ऐजा, और सब लोग देखले भी होई कि बहुत ही ऐतिहासिक ऐजा पंडाल बनाओ जा रहा, और पंडाल के लेके बहुत ही प्रसिद्ध जगह बा। देख सकत नहीं, जहाँ भी देखे बहुत बढ़िया बढ़िया ये चीज़ बनावल जा सकता। और हमनिशन के साथ आज हमनिशन के दोस्त मित्र साथी सब लोग ऐजा बैठे, और ऐजा इंस्टा रिले स्टार हमारे भाई अमरेश सिंह जी भी बड़न। और देख सकत नहीं ऐजा बाकी मंदिर के पंडाल बन रहा बाटे, और सामने जब देखे रहुआ ऐजा तो ऐजा सब कहल जाओ तो मतलब हमनिशन के जो पुराना चीज बा जो हमनी के बीच से हट गई बा उ सब दिखावे के प्रयास कल जा रहा बाटे। और कहल जाओ तो ऐजा के लोग में कहल जाओ तो इतना जागृति भइल बा लोग में कि कहल जाओ तो हर बेरी ऐसा ऐसा चीज़ बनावल जला है जौना से बड़ा दूर दूर से श्रद्धालु आवेलन और आके ऐजा माथा तो टेकबे करलन, लेकिन ऐजा जो ऐजा सैलानी बड़न उनका खातिर बहुत ही बढ़िया एगो पर्यटक स्थल हो जाला नवरात्र के समय में। बाकी हमीशन के साथ भाई लोग बस सब लोग से थोड़ा थोड़ा करके जाने के चाहे अमरेश भाई का कुछ कहे के बात ना भव्य पंडाल बनेला। बस इतने कहें भाई कि लोग बंगाल मतलब झूठो खानी जाता, अपना हिंदुस्तान के सबसे बड़ा पंडाल हमनी के फुटानी बाजार जो कि जलालपुर में बा, और हमनी के जिला के नाम रोशन होता, छपरा जिला में बहुत ही बड़ा पंडाल ही बनेला हमेशा के तौर। और ये गांव के लोग के दिल से धन्यवाद बा कि आपकी बेरी क्या क्या बन रहा भैया। अब देख ली बने के तो बहुत कुछ बनल जाता, बाकी ओकर अभी नाम का रखल जाए जब तैयार हुई तो रोड अगला। और सब लोग ऐसे भी देखी तो एक बार याद पड़ जी ओकरा, क्योंकि मालूम हो जी कितना बड़ा बड़ा पंडाल कई कई फीट के बनाता। बस अतरे जाली कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन पंडाल हमनी के छपरा में बनाता फुटानी बाजार। वे ना भाई, अब अगला बड़ी तो गोरिल्ला चिंपैंजी का बन रहे, अब की बड़ी बड़ा खल खल का चीज बनाता। सबसे बड़ा चीज की यही में कोनो मगरमच्छ चली तो कबो वही में कछुआ चली तो कबो कबो वही में कुली कौन कौन ऐसा ऐसा ना कौनटा कौन कौन बना था टेकी देखे मतलब सोच में पड़ जाए। और देख सकते हैं हमनी के साथ भैया भी बनी है सभी जाने के टाइम का कुछ कहे के चाहे इतना बढ़िया पंडाल बनल भैया। पंडाल तो बेहतरीन बनाता लेकिन यहाँ जो मुखिया जी बड़न सबसे बेकार बारे का है मुखिया जी का लगे तालाब जौन बा जीर्णोद्धार हो जाए के चाहिए। अब तक जहाँ जितना यहाँ लोग श्रद्धालु होता चाहे सैलानी होता वो हिसाब से रोड नहीं है ना तालाब के कंडीशन, तो वह बात तालाब देखला के बाद दिले खुश हो जाता है। और देखिए सही बात भाई, यहाँ के बहुत बड़ा एक बात है जो डायरेक्ट आरोप लगेले बनी तो खैर हमनी संगे आज ब्लॉग बनाए ज्यादा कुछ ना कहम जा, लेकिन हमनी सन के भी यही नहीं है जाता रास्ता बड़ा खराब रहा सर। तो जब इतना बड़ा कहल जाओ श्रद्धा के केंद्र बटे सैलानी के केंद्र बटे तो ये पर सांसद जी स्थानीय विधायक नेता जी लोग के ध्यान देवे के चाहिए, और ऐसा ऐसा सड़क के जल्द से जल्द बनावे के चाहिए ताकि जौन भी श्रद्धालु आवस या सैलानी आवस उनके कोनो भी प्रकार के दिक्कत मत हो। देखिए भैया और का हाल चल भैया। बस ठीक बटे। आज का करे बने जा घूमे खाती घूमे मतलब कहाँ से आये बन रहा। हम टेकनीवास से आये बने। टेकनीवास से कितना किलोमीटर बा। 12-14 किलोमीटर से देखे आये बने अभी, यानी मेला लगी तो फिर आये फिर आये मतलब देख सकते बहुत दूर दूर से लोग आये बटे। कहल जाओ तो भाई हमारे ताजपुर से आये बड़न, ताजपुर से कम 30-40 किलोमीटर बा। और ये हमारे भाई साहब एथी से कौन गाँव के नाम कहा खरवार से, और बाकी अमरेश भाई के तो सब लोग जाना तटे। बहुत दूर दूर से लोग आये बटे और बहुत बड़ा मतलब चीज ऐसा बनावल जा रहा है। बाकी वो सब लोग हम दिखाओ था नहीं, एक एक चीज दिखाएं। बाकी पंडाल तो देखे तो दिल गदगद हो जाए कितना बड़ पंडाल लगावल गया। बाकी पोखरा है, यही पोखरवा में अगले बार सब लोग देख लो खेम कि बहुत बड़ा एगो एनाकोंडा सांप रहे ना, कौन सांप रहे एनाकोंडा एनाकोंडा रहे, उस सांप के बनावल रहे। और बाकी देखी हेकरा के रोल लोग देखे ना तो हम सन के भविष्य याद पड़ी। और बाप रे बाप बड़ी खाली हमने के पेपर में पढ़ ले बनी जा वीडियो बनाएगा थोड़े के बाद। बाकी हमारे भाई पंडाल के लेके कब से शुरुआत भइल के तरह का भइल सब बतेन भाई। भाई से हम सन के जाने के चाहम जा सबसे पहले आई जानल जाओ का नाम पड़ी भैया। अभिषेक कुमार शर्मा। ये पंडाल बनावे के शुरुआत कब से भइल। पंडाल बनाए के शुरुआत 2013 से भइल, 2013 से 2023 आज 2024 चलता लगभग 13 साल हो गए। मतलब लगातार 11 साल होता टे, 11 साल से कंटिन्यू मतलब पर काम चल रहा बटे। जैसे कि शुरुआत भाई लोग तो लोग कितना बड़ा मतलब सोच कहाँ से आई लोग की मतलब क्या एक बार आवल जाता। तो मतलब पूरा सहयोग पूरा गांव के ही बा, अगल बगल से लेके गम्हरिया गांव प्रॉपर गम्हरिया गांव में ही पड़ेला, गम्हरिया गांव का सबसे ज्यादा सहयोग रहेला। लेकिन देखल जब मतलब आमतौर पर फुटानी बाजार के लेके बड़ा फेमस बटे जी। फुटानी बाजार से फेमस भाई, छोटा सा बाजार है अपना से मतलब गाँव के लोग मिलकर फुटानी बाजार नाम रखला। आज पूरा बिहार में एक नंबर पर बा फुटानी बाजार। मतलब देखा जाए यह तक कि गूगल मैप पे भी ट्रेंड करता फुटानी बाजार 2024 पंडाल जी पंडाल करता। मतलब देखा जाओ तो जैसे जब पहली बार शुरुआत भई रहे तो वो टाइम मतलब दर्शक आई रहे कितना लोग आई लोग की वो टाइम और अब से कैसा का अंतर बा। ज्यादा ज्यादा जनसंख्या लगभग बाजार पे रहे तो 10,000-15,000 रुपए मतलब 15,000 वो बड़ा। और अभी में का अंतर बाटे 11 साल के दौर में देखा जाओ वो घड़ी लगभग 10-15,000 जनसंख्या रहे, अब अभी कम से कम 30-35 लाख के जनसंख्या हो जाला। अभी कितना खर्चा कितना लग जाते पंडाल लगभग पंडाल में लगभग 40-45 लाख रुपए में खर्चा लग जाला।
मतलब गांव के लोग के विशेष सहयोग रहेला और सब लोग मिलके मतलब 30-40 लाख खर्चा करेला है। जी। बाकी वीडियो में तो दिखाई देले बनी हतरा बड़ा बड़ा डायनासोर का जाने वो टाइम हो रहा सन की ना एक हाइट कितना होगी हाइट लगभग एक 40 फीट बा एक 40 फीट बटे और बाकी जौन बा 75 फीट हाइट बा कौन ओकर 75 फीट बा और देख सकता नहीं ऊ जन डायनासोर्स बा ओकर 75 फीट हाइट बटे और बाकी ऊपर देख सकता नहीं सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा देखते हैं तिरंगा कितना बढ़िया लहरा तटे और बाकी वो डायनासोर्स बा ओकर भी कितना हाइट हुई वाला डायनासोर्स के लगभग 25 फीट कितना 25 फीट और बाकी 40-40 फुट के दो मेन गेट पर बटे और मेन गेट पे आयम तो वही जैसे एंट्री करे के बटे ना मेला घूमे के मतलब के तरह बटे लोग जो आई नया आदमी वो मतलब कैसे आई उनका खातिर लोकेशन का कुछ रहे जौना मतलब नगरा रूट से नजदीकी क्षेत्र नगरा पड़ेला बाजार जलालपुर पड़ेला पीछे बनियापुर पड़ेला धरान बाजार पड़ेला अगर वह जलालपुर से होते हैं जलालपुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर फुटानी बाजार हुआ छोटा बच्चा से पूछम तो लड़का बता दे की हाँ फुटानी बाजार अरे अब तो ट्रेंड हो गई बटे पूरा गूगल पर भी ट्रेंड कर 3 किलोमीटर की दूरी पर जलालपुर हाँ तो लोग आई मतलब ये लोकेशन अच्छा तो सुविधा मिले रहुआ मेला घूमे का भी अच्छा और मेला भी बड़ा लगे ना चाचा भैया बहुत जबरदस्त मेला लगे बहुत भीड़ लगा आपकी तो और भीड़ हो की मतलब आपकी बेरी हो का है ना भाई जब बड़ा बड़ा क्रिएटर रही ना दूगो फोटो हुआ घींच के डलिए भीड़ तो एकदम लगबे करिए बाकी गांव के लोग तो बड़ नहीं बटे सहयोग करे खातिर गांव के लोग के भरपूर सहयोग रहेला जो भी लोग आवेला 300 से ज्यादा जनसंख्या बा वॉलंटियर के पूरा 300 एकदम लड़का बढ़ रहा है प्लस लड़का बढ़ रहे 24 घंटा यह ड्यूटी देता है 24 घंटा सही बात देख सकते नहीं सभी गांव के लोग बैठे और सब लोग बहुत ही कहल जाए तत्परता के साथ सेवा में लागल बैठे और देख सकते हैं पूरा गांव भर के लोग बैठे और सब लोग अपन जौन भी काम बैठे जौन भी जरूरत के सामान बन लिया तालो जाता लो कहल जाओ तो ऐसा ही ऐसा चीज गाँव के लोग तत्परता रखेला तो एक से बड़ा बड़ा कार्यक्रम होखेला ये वजह बटे जाना वजह से फुटानी बाजार गमरिया कला जहाँ बहुत बड़ा एगो ऐतिहासिक कार्यक्रम होखेला और कहल जाओ तो भारत के यो भी गिनल चुनल पंडाल में से बनेला तो लोग के अब कहीं भी गईला काम नहीं के ना जी कोलकाता बंगाल गईला काम नहीं के जा सीधा आई रहुआ अपना सिवा छपरा जिला में रहुआ फुटानी बाजार पे बहुत बड़ा पंडाल देखे के मिले बाकी और देख ली वे मिस्त्री साहब बन जेकर बदौलत इतना बड़ा डायनासोर बनावल जा रहा था भी अपना छपरा जिला के एनवायरनमेंट कोई बाहरी केहू नहीं है बाहरी का छपरा जिला के ई लोग अभी जे आसपास में लोग की गांव के लोग बा बाकी वो मिस्त्री अपन छपरा जिला के ही माझी गांव के बनी अरे भाई बिहार के लोग कलाकार होखेला बिहार के लोग कहे के काला में बहुत आगे होखेला देख ली बिहार के लोग डायनासोर बनावा था का जाने वो टाइम के लोग पूरा भारत के लोग डायनासोर देख लो कि ना लेकिन अरे पंडाल एकदम काट के बांस के अथी से बना दल गए बटे सोचे वाली बात बा उससे कहा जय बिहार जय बिहारी।